हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज चलिए कुछ डिफरेंट रेसिपी ट्राई करते हैं। वो है बटर गार्लिक पराठा। ये बहुत टेस्टी है, बनती है। अभी आप मैं देखूंगी ये कैसी बनती है, आपको बताऊंगी रेसिपी। देखिए, आप फर्स्ट 1 कप ऑफ व्हीट फ्लोर ले लीजिए, उसमें आप 1 कप ऑफ मैदा भी ऐड कर दीजिए। आप अभी उसमें 1/2 कप ऑफ रवा डालिए, उपमा रवा जो रहता है वो डालिए आप। अभी मैंने थोड़ा सा सॉल्ट डाल लिया है। अभी मैं उसको जैसे हम चपाती के लिए बनाते हैं, आप वैसे ही उसको अच्छे से बना दीजिए इसका आटा। अभी देखिए आटा बन गया, उसमें थोड़ा सा ऊपर ऑयल डाल के उसको 2 आवर के लिए सेट करने के लिए छोड़ दूंगी इसे। अभी जो पराठा के लिए जो स्टफ चाहिए, उसके लिए आपको 100 ग्राम का बटर चाहिए। उसको मैंने मेल्ट कर दिया था। उसमें आप चॉप्ड गार्लिक डालिए। इसको मैंने ऑलमोस्ट 15 गार्लिक लेके उसको फाइनली चॉप किया है। अभी 5-6 ग्रीन चिलीज लेके उसको फाइनली चॉप करके डाल दीजिए। उसमें मैंने थोड़ा सा कोरिएंडर लीव्स डाला है। अभी आपको 1 टीस्पून ऑफ चिली फ्लेक्स और 1 टीस्पून ऑफ मिक्स हर्ब चाहिए। अगर आपके पास मिक्स हर्ब नहीं है तो चाट मसाला भी डाल सकते हैं आप। अभी अच्छे से मिक्स हो गई है तो आप इसमें थोड़ा सा सॉल्ट डाल दीजिए, ज्यादा मत डालिए बिकॉज हमने ये बटर में भी सॉल्ट होता है। तो आप थोड़ा सा डाल के इसको मिक्स करके रख दीजिए। देखिए, ये जो भी स्टफ है ना वो रेडी हो चुका है। अभी चपाती देखते हैं कैसे बनाते हैं। अभी आप देखिए, चपाती की जैसे हम रेगुलर चपाती बनते हैं, फर्स्ट आपको वैसे ही बनाना पड़ेगा। देखिए, मैं बना के आपको बता रही हूँ। देखिए, उसको मैं कैसे रेगुलर चपाती बनाती हूँ वैसी बना रही हूँ। फर्स्ट देखिए, चपाती रेडी हो चुकी है। अभी हम इसमें स्टफ फिल करेंगे। जो भी स्टफ था, जो भी हम उसके रब बना के रखे थे ना, उसको आप अच्छे से इवनली स्प्रेड कर देंगे ऑल ओवर। अब ये इसमें कुछ भी कंगूशी मत कीजिए, इसको अच्छे से स्प्रेड करना पड़ेगा। हर जगह स्प्रेड कीजिए और आप हो सके तो जितना हो सके उसको अच्छा, जो भी हमने स्टफ लिया था उसको फाइनली और अच्छे से चॉप कीजिए। अभी जैसे हम पेपर कैसे फोल्ड करते हैं, ये चपाती को भी हम ऐसे ही फोल्ड कर देंगे अच्छे से। इसको आपको थोड़ा अच्छे से करना पड़ेगा बिकॉज इसमें बहुत ज्यादा बटर है ना, तो ये थोड़ा सा ऑयली ज्यादा हो जाता है। अभी हम इसको ऐसे साइड पे फोल्ड कर देंगे। और ये इसमें ज्यादा बटर है तो फर्स्ट हम क्या करेंगे, उसको थोड़ा सा पाउडर डाल के, आटा का पाउडर डाल के उसको फर्स्ट हैंड से ही अच्छे से प्रेस करेंगे। उसके बाद हम चपाती जैसा बना देंगे। अभी देखिए कितनी अच्छी बनी है, उसमें अच्छी लेयर बनती है। अभी हम तवा गरम कर दिया था, उसमें अभी हम ये जो भी हमने जो पराठा बना है वो हम लगा के उसको सेकेंगे। आपको उसमें ऑयल डालना है तो ऑयल डालिए, बटर डालना है तो बटर डालिए, ये आपकी मर्जी है। ये देखिए, 1 साइड कुक हो चुका है अच्छे से। ये देखिए, 2 साइड भी अच्छे से कुक हो चुका है। देखिए कितनी अच्छी बनी है। और इसको आप ग्रीन चटनी के साथ अच्छे से खा सकते हैं और कर्ड के साथ भी खा सकते हैं, बट ग्रीन चटनी के साथ बहुत टेस्टी बनती है ये। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आया तो अपने घर में ट्राई कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक करना ना भूलिए।